मैं हूँ अन्वेषा, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक टॉपिक के साथ आई हूँ जो आई थिंक बहुत बहुत ही, चाहे कितने भी रिसर्च हो जाए, कितने भी वीडियोस बन जाए, फिर भी हर महीने हर टाइम हमें हर एक फीमेल को ये चीज सताती रहती है, वो है हमारी पीरियड्स एंड इट्स प्रॉब्लम्स। नाउ अ हेल्दी पीरियड साइकिल लास्ट फॉर 28 डेज का यूजली होता है, बट जिनको PCOD का प्रॉब्लम है या कोई और हार्मोनल इश्यूज है तो पीरियड्स के साथ उनका टाइमिंग जो होता है अप एंड डाउन होते ही रहता है। सो दैट्स अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक, बट डोंट वरी एट ऑल। सो टुडे आई एम गोइंग टू एड्रेस सम ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट वी हैव ड्यूरिंग पीरियड्स, जो कंसर्न एंड प्रॉब्लम्स मुझे भी काफी हुए हैं। आई नो व्हाट अ स्ट्रेस पीरियड कैन बी इन ऑल आवर लाइफ, वेदर यूर टीनेजर, वेदर यूर यंग एडल्ट और इन 30s और 40s। दिस वीडियो शुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड अ बेल टिंग 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 राइट नेक्स्ट टू इट। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो जरूर सेव या शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट, इज इट बेली फैट और इज इट ब्लोटिंग। अब पीरियड के टाइम, खास करके वो 3-4 दिन या फिर PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होती है, पीरियड स्टार्ट होने से 3 दिन 5 दिन, किसी किसी के अंदर होता है 7 दिनों तक, एक भयंकर ब्लोटिंग होती है। सो अ लॉट ऑफ अस गेट कंफ्यूज कि क्या है ये, मेरा बेली फैट थोड़ा ज्यादा प्रोट्यूड हो रहा है या फिर ब्लोटिंग है। नाउ बेली फैट इज एब्सोल्यूटली डिफरेंट फ्रॉम ब्लोटिंग। नाउ बेली फैट में वो आपका फैट है, दोज रोल्स आर नथिंग बट योर फैट, एंड पीरियड में वो थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि आपको एड ऑन होती है ब्लोटिंग, ये मोस्टली वाटर रिटेंशन होती है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि PMS के टाइम या फिर पीरियड के टाइम हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जेन्युइनली स्लो डाउन हो जाता है, हमारे अंदर एक हार्मोन है। सो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, इस टाइम बहुत स्क्रीचिंगली ब्रिंग्स एवरीथिंग टू अ हॉल्ट। तो PMS में वी आर मोर ब्लोटेड, हम या तो फेस वाइज पकी हो जाएंगे या टोन इतना निकल आएगा, एंड वील फील लेजी क्योंकि एवरीथिंग इन आर सिस्टम इज स्लो। ओके, सो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सम टिप्स दैट हैव रियली हेल्प्ड मी। व्हाट आई डू इन दिस टाइम इज इंक्रीज माई फाइबर इनटेक। नाउ सॉल्टी फूड लाइक चिप्स हो गए, नमकीन हो गए, जंक हो गए, बर्गर्स हो गए, फ्राइज हो गए, इसको इस टाइम रिड्यूस करने में, ब्लोटिंग के टाइम अगर आप इसको रिड्यूस कर रहे हैं तो नथिंग बेटर। दिस इवन हेल्प्स इन क्रैम्प्स, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। सो दिस टू थिंग्स विल रियली हेल्प फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, प्रोबायोटिक्स। नाउ प्रोबायोटिक्स विल रियली हेल्प। एक और ड्रिंक जो मुझे बहुत पसंद है इस टाइम, दैट इज कम्बुचा। ऑफकोर्स यू कैन हैव योर फेवरेट दही, केफिर या फिर बटर मिल्क विल ऑल्सो हेल्प। आई से 3 or 5 days बिफोर अगर आपको ब्लोटिंग का इशू है तो ट्राई डूइंग दिस चेंजेस। एंड अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन इज हाइजीन एंड पीरियड। प्लीज टेक शावर, प्लीज 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 मेंटेन योर हाइजीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ क्लीन, स्पेशली डाउन देयर कीप योर सेल्फ क्लीन। प्लीज चेंज योर पैड, इफ यू आर यूजिंग अ पैड प्लीज चेंज इट इन रेगुलर इंटरवल्स। यू कैन चेंज योर पैड देन इफ यू हैव हैवी फ्लो इन 3-4 hours, इफ यू हैव लाइट टू मीडियम फ्लो एटलीस्ट इन 5-6 hours यू नीड टू चेंज। नाउ हियर आई हैव विथ मी दीज लेमिबी सैनिटरी पैड्स, विच इज अ डे बॉक्स ऑफ 7 pads एंड अ नाइट बॉक्स ऑफ 7 pads, एंटी लाइनर विच इज अ बॉक्स ऑफ 10, एंड दीज आर हैवी फ्लो टैम्पोन विच इज बॉक्स ऑफ 15। नाउ ऑल ऑफ दीज आर 100% कॉटन सर्टिफाइड बायोडिग्रेडेबल। लुक एट हाउ क्यूट दीज पैकेजिंग इज। नाउ दीज पैड्स आर सुपर skinny, anti-leakage, super comfortable. These are also biodegradable, which means they are also good for the nature, so no harm there, which is what actually, you know, got my interest on them. How I love is that they have customized this box. Like daytime mein aapka jo flow hota hai, aapka of course thoda heavier flow hota hai night time mein bahut logon ko, to they have different pads customized for day and night, and also during the days when you have lesser period flow hota hai na, us time jab aapke period flow kam hota hai and you have to unnecessarily wear a big pad, but they have given you panty liners so that your panties don't get stained. Now the best part about the tampons are that they are suited not just for teen bodies but also for adult bodies. अगर आप नए हो, बिगिनर हो, तो आपको थोड़ी झिझक हो सकती है, बट दीज आर कंफर्टेबल एंड दे हैव नो हार्मफुल केमिकल्स इन देम, सो कंप्लीटली सेफ टू बी यूज्ड। एनीवे, इफ यू गाइस वांट टू चेक इट आउट, आई विल हैव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गिव देम अ शॉट। व्हाट आई लव इज दैट दे आर गिविंग अ कस्टमाइज्ड पैक, तो कंसिडरेशन कर रहे हैं कि डिफरेंट डेज रिक्वायर डिफरेंट पैक। एक्सरसाइज एंड पीरियड, ये एब्सोल्यूटली डिपेंड करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। ओके, नाउ इफ यू आर समबडी हु डज इंटेंस जिम वर्कआउट, मतलब बहुत वेट्स हैवी लिफ्ट करते हो, या फिर आप किसी टाइप के एथलीट हो, बचपन से ही आप यूज्ड टू हो, चांसेस है विद योर एथलेटिक बॉडी आपके पीरियड के फ्लो
थोड़े कम ही होते होंगे एंड आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. अफकोर्स जेन्युइनली बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ. एक्सरसाइज डज हैव अ लॉट ऑफ साइंटिफिक बेनिफिट्स ऑन योर पीरियड साइकिल एंड फ्लो. अगर आप ऐसे कोई हो जो हैवी पीरियड फ्लो, हैवी क्रैम्प्स, बॉडी नहीं मूव हो रहा है, तो डेफिनेटली नो एक्सरसाइज फॉर यू. एब्सोल्यूट रेस्ट, बेसिक मिनिमम आप कुछ स्ट्रेचेस कर सकते हो, आप शायद वॉक पे चले गए, that should be it. Please understand and listen to your body. You know your body better, you know what your body can do, but I'll still give you a word of caution. Never exert. Anyway, the body is tired and khas karke wo log jinko heavy flow ho rahi hai, wo to kate intense exercise na kare. Now point number 4 is cramps. Oh, cramps ka naam lete hi mujhe lag raha hai ki side se aag aa rahi hai. It's like that bad. Trust me guys, I am somebody who will not just go into medication just like that. A lot of workouts and yoga jo mujhe bahut help karti hai with cramps. Ek description box mein main yoga ka ek video dal dungi jahan pe maine bahut acche se how to deal with your cramps ka ek full video hai. It's like a 15 minutes workout with me. So if you are under periods, aapko cramps ke problem hai ya fir just PMS hai, mood swings hai, you can definitely, I urge you guys to go ahead and do that exercise with me. I swear you'll feel amazing after doing that. Now, menstrual cramps are caused by an excess of prostaglandins. Basically, आपके uterus का contraction हो रहा है, जिसके वजह से आपका pain ज़्यादा हो रहा है. बहुत लोगों के जैसे cramps इतने होते भी नहीं है period में, and बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा भयंकर cramps होते हैं. Thing which will help you, of course, you all know is chamomile tea, herbal teas help. Heating pads help like magic. Now, what I have also seen helps a lot of people. इज द न्यूट्रिशन विथ क्रैम्प. जैसे मैंने पहले ही आपको बोला बोटिंग के टाइम रिफाइंड कार्ब, रिफाइंड शुगर, सॉल्टी फूड इस टाइम आप अवॉइड करें. बहुत कुछ टाइम पहले एक रिसर्च पेपर निकली थी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि जिनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होता है उन पर एक रिसर्च हुआ था कि इफ़ दे कैन रिड्यूस देयर एनिमल इनटेक और इफ़ दे कैन रिड्यूस देयर वेरी फैटी एंड ऑयली फूड कंजम्पशन इनटेक, उनके अंदर ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्रैम्प्स की जो संभावना है वो बहुत हद तक कम हो गई है. मे बी यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस पर्टिकुलर थिंग आउट, एक्सपेरिमेंट विद योर न्यूट्रिशन, सी इफ इट वर्क्स फॉर यू और नॉट. लास्ट पॉइंट, मिस्ड पीरियड्स. नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, विदर यूर टीनेजर और एडल्ट और यूर प्रेगनेंट और नॉट प्रेगनेंट, मोस्ट ऑफ अस गो थ्रू दिस. ना अगर आपको कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है, आपको PCOD है, तो ये एक सिम्टम होता ही है. इरेगुलर पीरियड्स, नो पीरियड्स, हैवी पीरियड्स, दीज आर डेफिनेटली अ सिम्टम. एक और चीज़ होती है, बहुत बार हम देखते हैं कि हमें कोई हार्मोनल इशू नहीं है, हमें PCOD भी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी हम पीरियड्स मिस करते हैं. Now there is a very very good scientific study done that people, women who overtrain and undereat go through this problem of missed period. Yes, आप अपने हॉर्मोन्स को डिसबैलेंस करते हो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो अननेसरी, मोर देन रिक्वायर्ड, और अगर आप अपने आप बॉडी को उतना न्यूट्रिशन नहीं देते हो, मतलब वेट लॉस के चक्कर में कोई फैट डाइट कर लिया, कोई डिटॉक्स या जूस फास्ट या कुछ भी कर लिया विच इज नॉट गिविंग द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, यू कैन मिस योर पीरियड्स. एक और चीज होती है जिसके वजह से आप अपने पीरियड्स को मिस कर सकते हो, वो है ऑस्टियोपोरोसिस. द बिगिनिंग आपके बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कैल्शियम की डिफिशियंसी, विटामिन डी की डिफिशियंसी, विटामिन B12 की डिफिशियंसी. आप जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके गेट योर फुल बॉडी चेकअप डन, कंसल्ट विद देम. देयर आर लॉट ऑफ रीजन व्हाई यू मिस्ड पीरियड. इट्स जस्ट नॉट ऑलवेज स्ट्रेस. स्ट्रेस इज ऑफ कोर्स देयर, हार्मोनल इंबैलेंस इज ऑफ कोर्स देयर, PCOD इज ऑफ कोर्स देयर, बट दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई यू माइट बी मिसिंग योर पीरियड. स्टार्ट डूइंग बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस मील. यू शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, healthy fats, right amount of protein and fiber in your diet. Exercise should be in moderation. You will lose weight definitely if you do that. If you overtrain, undereat, everybody will lose weight, but you're going to lose a lot of things. You're going to lose your hair, your glow on your skin, you're going to lose your period, you're going to lose your mental health, and that is not what weight loss should come out to be. Okay, hope ये 5 टिप्स आपको हेल्प करे और आपको कुछ नया सीखने को मिला है. अगर आपको अच्छा लगे प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आप कौन से मिस्टेक्स कर रहे थे और आप इसको आप कैसे सुधारोगे. प्लीज फोकस ऑन योर हेल्थ. डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द प्रोडक्ट लिंक एंड आई विल सी यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. तब तक टेक केयर. दूसरे ब्लॉग्स मेरे यहाँ पर आप देख सकते हैं.